नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी के विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को कहा है। आईआईटी दिल्ली तीन विशेषज्ञों की टीम बनाए और साथ ही एक प्रश्न के दो सही जवाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सही जवाब के लिए आईआईटी एक्सपर्ट की टीम बने। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक सही जवाब देने के लिए कहा है। नीट मामले में कल भी सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने याचिका दायर की थी और जरा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले पे आज विस्तार से सुनवाई की गई, लेकिन इस बीच में एक बहुत ही रोचक मामला सामने आया है। जब एनसीईआरटी के एक सिलेबस के मामले में कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके नीट की एक सवाल पर अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई थी और उनके तरफ से कहा गया था कि जो पुराना सिलेबस है उस सिलेबस के मुताबिक उस प्रश्न का जवाब का विकल्प दूसरा था और एनसीईआरटी के नए सिलेबस के मुताबिक उस जवाब का उत्तर दूसरा था। और ऐसे में एनटीए का इस तरह से सवाल का सही अंक न देना सवालों के घेरे में है, जबकि किसी भी परीक्षा में एक ही प्रश्न के दो विकल्प नहीं हो सकते हैं। तो इसी पूरे मामले को जानने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उनकी निगरानी में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और उस पूरे प्रश्न का एक सही उत्तर की जो जवाब है वो दाखिल करने के लिए कहा है। इस पर केंद्र सरकार और एनटीए से भी जवाब मांगा है और ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कल एनटीए और केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करें। कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले में सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है। तो कल 12 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट पे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका। फिरोजाबाद में 2019 में एनआरसी को लेकर शहर में जमकर बवाल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ये आरोपी ना तो कोर्ट में हाजिर हुआ और ना ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकी। मामले में कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए थे। बता दें कि एनआरसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लड़के ने पथराव और फायरिंग की थी, साथ ही नालबंद पुलिस चौकी सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया था। पुलिस ने आरोपी रफीक के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन तभी से वो फरार चल रहा था। और बस्ती में किडनैप हुए कमलेश सोनकर को पुलिस ने सकुशल बचा लिया है और दो किडनैपर्स को भी गिरफ्तार किया। मामला केसरई गांव का है। कमलेश सोनकर गौर बाजार से घर जा रहा था, तभी कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही किडनैपर्स को पकड़ लिया। दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, 3 की तलाश की जा रही है। एएसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले इनके बीच में मारपीट हुई थी और उसी को लेकर बदमाशों ने अपहरण किया था। जनपद बस्ती के थाना गौर अंतर्गत कल 21 तारीख को रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो कमलेश जिनका नाम था, उनके भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। क्योंकि प्रकरण गंभीर था, अपहरण से संबंधित था, इस कारण से समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा त्वरित रूप से मौका मुहैया किया गया। जनपद की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, एसओजी, संबंधित अगल बगल। कन्नौज में सौतेली मां की प्रताड़ना से परेशान 16 साल की लड़की ने जान दे दी। मामला भोजापुर गांव का है। बता दें कि लड़की के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में सौतेली मां पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। लड़की के मामा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 20 जुलाई को थाना तालग्राम क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की उम्र करीब 16 वर्ष की सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। इसमें एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें इसने अपने माता पिता पर मारपीट से आहत होकर आत्महत्या करने का तथ्य अंकित किया है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां पर गैस पाइपलाइन फट गई। बिजली का खंभा लगाने के लिए ड्रिल किया जा रहा था, उस दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। जौनपुर के नगर कोतवाली थाने के शाही किला रोड की घटना आपको बता रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिजली का खंभा लगाने के लिए ड्रिल किया जा रहा था, जिसके बाद में गैस पाइपलाइन फट गई।
और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनोज जुड़ गया है। मनोज बताइए कैसे हुआ हादसा। देखिए ये पूरी तस्वीर जो है जौनपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के शाही किला और राज कॉलेज के बीच का पूरा तस्वीर है। गैस पाइप लाइन फटने से इलाके में दहशत मच गया, हड़कंप मच गया, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए इस बात को लेकर मोहल्ले के और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर मौके पर पुलिस और जो संबंधित इंडियन ऑयल के कर्मचारी और अधिकारी समेत बिजली विभाग के भी कर्मचारी पहुंचे और उसे ठीक कराने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है वह कहीं ना कहीं बिजली विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। स्थानीय लोगों ने यह बताया न्यूज 18 को कि जिस तरीके से ये गैस पाइपलाइन फटी है वो वहाँ बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही और एक बड़ा हादसा और कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी जितनी लापरवाही से इसे ड्रिल किया जा रहा था। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हनुमानगढ़ी के संत महंत राजू दास का कहना है कि जहां कैंप लगाए कांवड़िए वहीं खाना खाएं। लेकिन कांवड़ यात्रियों से निवेदन है आप जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, क्योंकि 1,00,000 से ऊपर वीडियो जो हम लोगों ने देखा है वह वीडियो कहीं न कहीं से सनातन आस्था पर कुठारा खाद करने वाला है। और संभल में गंगा नदी उफान पर है। बीते 24 घंटे में गंगा का पानी 2 फीट और बढ़ गया है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान पर पहुंच गई है। नरोरा बैराज पर 76,856 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अगर 2,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। गंगा में पानी कल दोपहर से 2 फुट खड़ा बढ़ गया है। अब क्या है, बढ़ रहा है इस समय? हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं, लेकिन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। गंगा इस टाइम बढ़ रही है काफी तादाद में जी। तो कब से बढ़ना शुरू हुई है ये? कल शाम से। और वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।